बड़ी अच्छी बात की और अब से मैं बाकी में ज्यादा बात करती हूँ। हम 1 बजे तक चाहते थे, 1 बजे तक हम यहाँ पे कंक्लूड करें, उसके बाद हम फिर पूछ सकते हैं क्या करना है। यहाँ पे अमिताभ साहब कह रहे थे कि पालतू को बैन करना चाहिए। मैं आपको डॉक्टर साहब बता दे रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे, या कश्मीर की बात करूँ, पहलगाम एक वाहिद इलाका है जहाँ पे आपको पालतू को बैन स्ट्रगल की 5 साल 10 साल 15 साल से, और 5 साल से यहाँ पे कोई पालतू आपको दुकान से नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो जुर्माना वापस फाइन होगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे कि मूवमेंट में सब लोग को जुड़ना चाहे, सब लोग जुड़ जाए। आप खुद जानते हैं कितने मसाए हैं। आपको शायद याद होगा कि जो पावर बैग लेके घर से निकलता था, चाहे सब्जी लानी हो कुछ हो, लेकिन हम खाली हाथ घर से निकलते हैं और 20 पॉलिथीन के बैग घर लाते हैं, बड़े बैग। सो इट हैज टू बी स्टॉप समवेयर। अगर इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा, गवर्नमेंट कैन नॉट अलोन डू इट, वी कांट, हम हर बात पे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर एनवायरमेंट को लेके एक मसला है, गवर्नमेंट लोगों को ब्लेम करती है, लोग गवर्नमेंट को करते हैं। इस ब्लेम गेम में एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी प्रकृति का हो रहा है। वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक पहले एट पॉलिसी लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, पॉलिटिकल लेवल, फिर ग्राउंड में जाके लोग जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी कन्वेंशन, कोई भी बाइंडिंग कामयाब नहीं है। दिस अ हार्ड रियलिटी दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू फेस, एंड वी हैव टू शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन। आई रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अकेले ऑल अलोन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती। चाहे वेस्ट डिस्पोजल हो, चाहे जैसे मैंने कहा, चाहे यहाँ का एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, चाहे यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे यहाँ का जो पार्क से उनका मैनेजमेंट हो। हमने पिछले साल, अगर हम कहेंगे साइट्स की बात करें, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बायोडायवर्सिटी की बात करें, हमने पिछले साल एक बड़े अफसर को यहाँ सॉर्ट ऑफ यहाँ की बायोडायवर्सिटी को डैमेज करते हुए पकड़ा, एंड वी हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। जैसा कि आप जानते हो कि हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक अवार्ड फंक्शन रखी थी। उस अवार्ड फंक्शन का मुद्दा और मकसद यही था कि अगर कुछ लोगों ने कुछ काम किए हैं अपने अपने फील्ड्स में, तो उनके हौसले बुलंद करने के लिए और उनको ये अवार्ड से नवाजा गया। तो मेरे साथ जो एंकर थी आज की इस प्रोग्राम की, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना होगा इस प्रोग्राम के मुतल्लिक, और किस तरह से यहाँ के लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमें पहलगाम को किस तरह से बचाना चाहिए, किस तरह से हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली पहलगाम को बनाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस फंक्शन का जो भी मकसद था वो यही था कि हम लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करें। हमारे यहाँ पर AMU से काफ़ी सारे प्रोफेसर्स आए थे, जो कि बहुत कंसर्न मुझे भी लगे कि थे, हाँ, कि एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए। हमारे पहलगाम में एनवायरमेंट की कोई कमी नहीं है, लिटरली बस कमी है तो अवेयरनेस की, और जनरल अवेयरनेस इज़ द मोस्ट बेसिक पॉइंट वी कैन डू। बेसिक पॉइंट्स के लिए आज हमने यहाँ पर उन लोगों को बुलाया था जो बाकी लोगों तक ये नॉलेज पहुँचा सके, लाइक स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था। स्टूडेंट्स आर द बेसिक पॉइंट जिनकी वजह से हम ये स्प्रेड करते हैं। बिल्कुल। तो यही बात है कि हमारे अंदर अवेयरनेस खुद होनी चाहिए। बाहर के लोग यहाँ आते हैं कुछ भी, तो वहाँ वो जब यहाँ पर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको गाइड करें, ट्रीट करें। जब हम 10 को बताएंगे, वो 10 आगे 10 को बताएंगे, वो 10 आगे 10 को बताएंगे, ये एक चेन चलेगी जो हमारे इस एनवायरमेंट को बचाने में पूरी तरीके से हमारी हेल्प। क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ के लोग जो है मेन पहलगाम के रहने वाले है, तो कहीं कहीं पर अभी भी लोगों के दिमाग में ये क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट कि किस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सर ने अभी हमें अंदर बोला कि यहाँ पर लोगों के अंदर दिमाग में यूज एंड थ्रो मोर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उन चीज तक मतलब हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है उसमें हमें पहुंचाना पड़ेगा। लाइक हमारी कॉन्फ्रेंस जो भी होती है, तो वहां पर वो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है, अवेयर है, और जो हमारी पहले की जनरेशन से, तो शायद ये वही लोग होंगे जिन्हें अभी पता नहीं है कि इसको डिग्रेड करने के बाद हम क्या खो रहे हैं। और सस्टेनेबल टूरिज्म का यही था, सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है रिक्रिएशन ऑफ एवरीथिंग। सो रिक्रिएशंस के लिए और कुछ भी जो भी डेवलपमेंट्स के लिए, उसके लिए लोगों को आगे आना होगा। और मैं यही कहती हूँ कि न्यू जनरेशन जो है, कि वो ओनली पॉइंट है जो इन तक भी ये मैसेज पहुँचा सकते हैं कि हाँ, एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए। तो बिल्कुल आपने सुन लिया कि क्या इनका अभी कहना है। तो ये खुद एक एनवायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट रही है, तो इनका भी यही कहना है कि किस तरह से हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, पॉलीथीन का कम यूज़ करना चाहिए, और लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि हमें अब
इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पोल्यूशन इससे ज़्यादा पहलगाम में होगी, पहलगाम इस वक्त कश्मीर की या इंडिया की हम कहें तो नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आज दिन में बहुत ज़्यादा फुटबॉल होता है टूरिस्ट्स का या लोकल्स की बात करेंगे तो, लेकिन साथ साथ हमें ये भी कॉन्सेप्ट रखना चाहिए दिमाग में कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पेड़ है, 100 में से हम हर दिन एक एक काटेंगे तो एट लास्ट हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें ये मैसेज दे, हमें सिंपल मैसेज दे रहे हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ के लोकल लोगों को भी, कि यहाँ के एनवायरमेंट को बचाया, यहाँ के पेड़ जो पेड़ पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए और साथ साथ पॉल्यूशन कम करे। जरूरी छु आफताबस न इंतजार करुन, आराम हराम करित बेजबानिन हुन सहार बनुन। जरूरी छु कोलन हिज वत बदलवित तकदीर बदलावुन, ट्रैक्टर पनिन शान बनावुन ते मेचे पलव पनिन पहचान बनावुन। जरूरी छु बड़ ख्वाब वुछिन तो ख्वाब हकीकत बनावन, तिकाजे जिंदगी मज ब्रोह ब्रोह पकुन छु हद रोस जरूरी। बायोस्टैटिक बायोजाइम बड़ुन छु जरूरी।